तो मैं सगरे से हार गए, हमारा कोई भी नहीं सुना था। 7 महीना से जो काम नहीं हो रहा था वो मात्र 5 से 6 दिन में हमारा काम हो गया। मेरे को आज इंसाफ मिल गया है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। डीटीओ आरटीओ ने देखी ट्रांसपोर्ट टीवी की खबर, मामूली से ड्राइवर ने हिला दिया पूरा विभाग। दोस्तों, अक्सर करके देखा जाता है कि जब आरटीओ डीटीओ के घरों पर छापा पड़ता तो उनकी लाइफस्टाइल क्या निकलती है, जिसको देखकर लोगों की आंखें चौंधी आ जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि ईओडब्ल्यू की तरफ से यानी कि आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से खबर मिलने पर जब इन डीटीओ आरटीओ के घर छापे पड़ते हैं तो आय से अधिक संपत्ति मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाकायदा पूरा का पूरा महल बनाया होता है, थिएटर, होम थिएटर, ऐसे ऐसी आलीशान चीजें कि जिसको देखकर कोई भी कहे भाई ऐसा मुझे भी मिल जाए तो क्या बात हो। अब वो सारी रकम कैसे आती है ये तो आप भली भांति जानते होंगे, और नहीं जानते तो अब जान लीजिए। दरअसल मोटी मोटी रकम इनको चढ़ती है, कभी किसी बहाने, कभी कोई काम रोक दिया, आरटीओ विभाग का कोई काम रोक दिया, किसी में अड़चन लगा दी, और कहीं मोटी रकम लेकर ऐसे ही लाइसेंस बना दिया। अब हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में हमने अपने लॉरी प्रोग्राम में एक ऐसी खबर लगाई थी जहां पर भैरव कुमार यादव, जिनके लाइसेंस पर सब कुछ सेम था लेकिन फोटो और नाम किसी और का चढ़ा दिया गया, और जब इसकी तफ्तीश हमने की और इसकी पूछताछ की तो पता चला कि एक मोटी रकम दी गई थी लाइसेंस बनवाने के लिए, जिसके बाद ये सब हुआ। और भैरव कुमार यादव पिछले 7 महीने से परेशान घूमते रहे। आखिरकार उन्हें ये सूझी कि वो ट्रांसपोर्ट टीवी से संपर्क कर पाए। बस फिर क्या था, ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने तफ्तीश की, जानकारी निकाली, पूरे मैटर को अच्छे से समझा, आकाश कुमार से बात की। भैरव कुमार यादव ने भी अपनी तरफ से बेहद प्रयास कर रखे थे, सारे सबूत जुटा रखे थे। उन सबूतों के बल पर ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम ने लॉरी प्रोग्राम किया, और उसका असर ये हुआ कि ये खबर डीटीओ आरटीओ तेजी से पहुंची, और उसके बाद अब यह हुआ कि मात्र 7 दिनों के भीतर अब लाइसेंस पर फिर से भैरव कुमार यादव का नाम और फोटो चढ़ गई। मात्र 7 दिन के अंदर अपने इस काम को बना हुआ देख ड्राइवर भैरव कुमार यादव ने दिल से ये वीडियो बनाई, धन्यवाद किया ट्रांसपोर्ट टीवी का और लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाई। देखिए ये वीडियो। मेरा नाम भैरव कुमार यादव है। मैं 7 महीने से वो लाइसेंस के पीछे धक्का खा रहे थे, तो मैं सगरे से हार गए, हमारा कोई भी नहीं सुना था। फिर मैं ट्रांसपोर्ट टीवी के पास पहुँच गए थे। ट्रांसपोर्ट टीवी ने पिछले अभी 5 दिन पहले हमारा वीडियो छोड़े थे, बनाए थे, जिसमें 5 दिन में वो लाइसेंस आज हमारा नाम से चालू कर दिया है। इसके लिए जितने भी भाई है सबको प्रणाम करते हैं ट्रांसपोर्ट टीवी वाले के, जो कि हमारा 7 महीना से जो काम नहीं हो रहा था वो मात्र 5 से 6 दिन में हमारा काम हो गया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी हमेशा आपकी आवाज बनता है। फिलहाल ये थी आज की ब्रेकिंग न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संत कुमार बंजारा सिवनी मध्य प्रदेश से हूं, और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं। किसी भी प्रकार की गाड़ियों के लिए जो ट्रांसपोर्ट मॉल ने एक बीमा पॉलिसी लागू किया है, तो आप सभी से अनुरोध करता हूं कि बीमा अपनी गाड़ियों का ट्रांसपोर्ट मॉल से खरीदें, और सिक्योर बीमा है, आप सभी के लिए बहुत सुरक्षित भी रहेगा और पूर्ण रूप से जानकारी भी दिया जाता है। उनका जो नंबर है 90 831 से जरूर संपर्क करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी का और ट्रांसपोर्ट मॉल का, जो हर वक्त हमेशा ड्राइवरों की और चालक मालकों के लिए आवाज उठाते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर।